मुजफ्फरनगर के विश्व प्रसिद्ध वेलना जैन मंदिर में चल रहे 10 लक्ष महापर्व के मौके पर 10 दिन तक चलने वाले छिमायु पर्व के अंतिम दिन समापन के मौके पर आज क्षमावाणी पर्व पर वेलना जैन मंदिर के महामंत्री श्री राजकुमार जैन नावला वालों ने पर्व का पूजा अर्चना कर समापन किया। 10 दिन तक चलने वाले क्षमावनी कार्यक्रम में मंदिर के अंदर भक्त लॉकडाउन को देखते हुए 5 आदमियों को मास्क लगाकर सैनिटाइजर करके ही मंदिर में पूजा करने की अनुमति और मंदिर कमेटी की तरफ से दी गई। इसको बेखूबी भक्तों ने और मंदिर कमेटी द्वारा निभाया गया। और आज अंतिम दिन समापन के कार्यक्रम पर महामंत्री राजकुमार जैन नावले वालों ने सभी भक्तों को समापन कार्यक्रम पर क्षमा मांगते हुए निवेदन किया कि जो भी भूल चुक हो चुकी हो वह मंदिर कमेटी की तरफ से और कार्यकारिणी की तरफ से या कर्मचारी की तरफ से उसको माफ़ किया जाए और भगवान महावीर को सदैव सभी पर आशीर्वाद बना रहे। जहां ऐसे पर्व पर वेलना जैन मंदिर के अंदर भीड़ रहती थी वहां बाहर से भक्त आते थे पूजा अर्चना करने के लिए, वहां मंदिर में अब लॉकडाउन को देखते हुए कार्यकारिणी की तरफ से एक दिशा निर्देश जारी किया गया जिसमें 5 लोगों को पूजा अर्चना की परमिशन मास्क और सैनिटाइजर करके की दी गई जिसका सभी भक्तों ने पालना किया। राजीव जी, छिमायु 10 लक्ष का पर्व है क्या? आज हमारा जैनियों का देखा जाए तो सबसे बड़ा पर्व है। जैन धर्म आत्मा पे ही फोकस करता है। क्षमा वीरस्य भूषणम, जो वीर होता है क्षमा करना उसका एक आभूषण है। अर्थात समाज के प्रत्येक वर्ग से कोई जात कोई बिरादरी जो मेरे संपर्क में है उससे मैं हाथ जोड़कर ये क्षमा मांगता हूँ कि जाने अनजाने में पूरे वर्ष के अंदर मैंने कोई अपशब्द कहा हो, मेरे कारण आपको भावनाओं में ठेस पहुँची हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये एक ऐसा त्यौहार है जिस त्यौहार के ऊपर हम समाज के प्रत्येक वर्ग अर्थात हम पेड़ पौधों तक से माफ़ी मांगते हैं कि अगर जाने अनजाने में मैंने आपका पत्ता तोड़ा हो। हम इतनी गलतियां करते हैं, मनुष्य बेसिकली एक प्रॉब्लम है कि हमारे स्वभाव में कि हम लोगों में अहंकार है, हम लोगों के अंदर ऐसी वासनाएं हैं जिसके कहने में हम आपको कोई ना कोई गलती करते हैं। तो हमारे को जैन धर्म एक मौका देता है कि आप हर एक से माफ़ी मांगो, अपने परिवारजनों से भी माफ़ी मांगो, अपने मित्रों से भी मांगो, पर उनसे भी मांगो जो मेरा ड्राइवर है, जो मेरे घर का नौकर है, जो मेरी फैक्ट्री में नौकर है जिसे मैंने साल भर कहीं ना कहीं उसकी भावनाओं को ठेस पहुँचाया। मैं समाज के हर वर्ग हर प्राणी से क्षमा मांगता हूँ। मैं जैन समाज का अध्यक्ष होने के नाते आपसे ये हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि हमें एक जैन समाज ने ऐसा मौका दिया है। मैं तो ये कहता हूँ कि सारी समाज को मिल के किसी भी रूप में धर्म का रूप ना मान के इस त्यौहार को मनाना चाहिए कि मेरे द्वारा की गई हर गलती के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगू। मैं आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ, समाज के हर वर्ग से माफ़ी। साधर्मी बहनों भाइयों, क्षमावनी के इस पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और यदि मेरे द्वारा या प्रबंध समिति दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र वेलना के किसी सदस्य के द्वारा जाने में अनजाने में किसी व्यवस्था को बनाने में कोई त्रुटि हुई हो, कोई चूक हुई हो, या हमारे द्वारा कोई कटु वचन किसी की शान में कहे गए हो, उन सभी को हृदय से क्षमा याचना करता हूँ। और क्षमा याचना के साथ साथ आशा करता हूँ आपने भी मुझे और हमारी पूरी प्रबंध कमेटी को क्षमा कर दिया होगा, क्योंकि बंदो लॉकडाउन के कारण कुछ सख्ताई भी करनी पड़ी, जिसमें केवल 5 व्यक्तियों को एक बार ही मंदिर के अंदर केवल 5 मिनट के लिए प्रवेश दिया गया, ताकि आप सभी अपनी पूजा विधान कुछ यहाँ कर लें और कुछ अपने घरों पर कर लें। तो आपने शासन की गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन किया, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। बंधुओं, लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन